नमस्कार, स्वागत है आपका एबीएनएन न्यूज में। मैं आपके साथ टीना गौतम। आज की लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेस भरी होने लगी है कि अगर आप जिम या फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन एनर्जी से भरपूर नहीं रहेगा। ऐसे में कई लोग शौक शौक में जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि जिम के बाद कैसी डाइट से उन्हें फायदा होगा। आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। जानिए जिम के बाद क्या और कैसे खाया जाना चाहिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जिम ट्रेनर या जिम प्रोफेशनल वीरेंद्र सिंह रावत जी। तो वीरेंद्र सिंह रावत जी, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि जिम या एक्सरसाइज हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं? एक्सरसाइज कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज से हमें बहुत तरीके के फायदे हो सकते हैं। जैसे अगर कभी भी आप जैसे कोई जिम स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उन पर जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके वो ज़रूरी है। प्लस अगर हम डाइट के मामले में कहें तो डाइट जितनी बैलेंस डाइट हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वो लेनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले आपको। क्योंकि जिम जाने से क्या होता है, जब भी आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ मसल्स में वेयर एंड टीयर होता है, तो उसकी रिकवरी के लिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसमें अगर जैसे उसमें प्रोटीन होना चाहिए पूरा, कार्ब्स प्लस फैट्स। तो प्रोटीन की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कोई जैसे बिगिनर है, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है तो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा कम से कम जैसे 0.8 ग्राम से पर किलो ऑफ पर केजी ऑफ उसका बॉडी वेट उसके हिसाब से उसको दी जाती है। तो वैसे ही किसका अगर एक्टिव लाइफस्टाइल है और सुपर एक्टिव है तो धीरे धीरे करके उसी हिसाब से बढ़ाई जाती है। साथ में अगर जब भी आप शुरुआती दिनों में अगर आप जिम स्टार्ट करें तो एकदम से कोशिश करें कि आप हार्ड कोर ट्रेनिंग ना करें, धीरे धीरे एज अ बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अपना आगे आगे करें। ठीक है, तो सर क्या लगते हैं आपको, एक बॉडी मतलब एक फिजिकल मेंटेनेंस के लिए हमें जिम या एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे बॉडी के लिए? करने के कई फायदे होते हैं। इसमें जैसे क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बहुत बढ़िया रहता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। और आपको सिर्फ शारीरिक फायदे ही नहीं, मतलब मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट करता है कि आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हो और वो आपके मतलब वर्क काम या जो क्या जो भी प्रोफेशन है वो उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। तो सर मान लीजिए अगर कोई जिम स्टार्टर होता है, जिम स्टार्ट करता है, उसको किस खान पान का ध्यान रखना चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उन्हें? जैसे मैंने बताया उसको एकदम बैलेंस डाइट पे अपना फोकस करना चाहिए। कभी भी ऐसे कार्ब्स या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने या फिर ज़्यादा एकदम बिल्कुल ही ज़्यादा प्रोटीन डाइट नहीं, तीनों चीज़ों का एकदम मिश्रण बराबर होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और बॉडी जो एक्सरसाइज उसने करी है वो उससे रिकवर हो सके। स्टार्टिंग फेज में अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एकदम जो भी कोई बिगिनर लेवल है वो एकदम से ही वेट ट्रेनिंग ना करे, उसको धीरे धीरे ऐसे हमारे इसमें टर्म्स होती है ऐसे कि स्टेबिलिटी और मोबिलिटी पे पहले ज़्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर उनकी वही चीज़ जो उनकी कोर जैसे उनका कोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, अगर आप कोर पे ज़्यादा ध्यान ना दे के वो सीधा ही अगर वेट ट्रेनिंग पे जाते हैं या किसी और एक्सरसाइज में आते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। और ऐसे कई कई लोग जाके सीधा जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं या सीधा वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी मसल मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है जिसकी वजह से उनको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो धीरे धीरे अपना और कभी भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले किसी कोच या उसकी मदद लें ताकि आपको वो प्रॉपर गाइडेंस दे और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में आपको बता सके, ताकि आपको अगर क्या होता है कि ऐसे इंजरी हो जाती है तो आपको फिर वो फॉल बैक हो जाता है एक तरीके से, मतलब आप आगे बढ़ने की सोच रहे बट एक तरीके से आपका बैक गियर लग जाता है। तो इंजरी से बचने के लिए प्लस प्रॉपर गाइडेंस से आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में से आप स्कूल भी जाओगे या जैसे गाड़ी सीखने जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपका इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है ताकि आगे मतलब आने वाले टाइम पे आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सके और वो आपके लिए बेनिफिशियल। तो सर इसके लिए डाइट भी बहुत जरूरी होगी। जी, डाइट तो किस तरीके की डाइट हम स्टार्ट करना चाहेंगे? डाइट में आप जैसे किसी को अगर वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, डाइट उसके हिसाब से होती है, सबकी अलग अलग होती है। जी, और जो स्टार्ट करते हैं उनको जैसे खाना पीना कुछ अवॉइड करना होता है? जी जी, इसमें आप शुगर सबसे पहले अगर अवॉइड करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं, शुगर अगर कहते हैं, मोटा इंसान है अगर पतला होना हो तो शुगर अवॉइड करे तो sugar, या हर इंसान को शुगर अवॉइड करना चाहिए। शुगर मतलब शुगर लेने से क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर जाती है तो वो इंसुलिन स्पाइक करती है। तो इंसुलिन स्पाइक अगर वो बहुत अगर बहुत ज्यादा बार बार हो रहा है वो चीज़ अगर बार बार मतलब बहुत हम ज्यादा
मीठा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिससे आपने सुना होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जी। होते हैं इससे। तो सर अभी कोरोना काल चल रहा है, जी, इस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का खाना, कुछ ऐसा खान पान जो हमारी इम्यूनिटी भी, हमारी इम्यूनिटी पावर को अच्छा करे, साथ में उसे बढ़ाए और हमारी बॉडी फिटनेस के लिए भी अच्छा हो, ऐसा क्या खा सकते हैं हम? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा मतलब सारे जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे विटामिंस हो गए, मिनरल्स हो गए, उन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हो गए जैसे लेमन, ऑरेंज या फिर इन सब चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन करें, ज़्यादा नहीं मतलब एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी को उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। मिले प्लस ऐसे कुछ खाने, ऐसे कुछ खान पान के बारे में आप बताएंगे जिससे कुछ खाना हो, कोई फूड, कोई वेस्ट सॉरी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह? हाँ, आप सब तरीके के फ्रूट्स, मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स और पोल्ट्री, अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो जरूर जरूर से जरूर पोल्ट्री को उसमें इस्तेमाल करें। प्लस अगर आप फिश खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिश में हमको बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे ओमेगा 3 हो गया फिश ऑयल में। तो भी नहीं सर, सुनने में आया है कि ये कोरोना की वजह से थोड़ा ये फिश, थोड़ा सी फूड्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए हमें। नहीं नहीं, इसमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि नहीं नॉन वेज से क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे क्रिएटिन हो गया जी, या वाइटामिन्स हो गए, कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो सिर्फ उसी चीज़ में होते हैं, मतलब वो आप सब्जियों से या फलों से या उससे नहीं ले सकते जी। तो जितना आप चीज़ों को बैलेंस रखेंगे उतना ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, वीरेंद्र सिंह रावत जी, हमारे स्टूडियो में आने का और ऐसी तमाम जानकारी देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत से जुड़े ऐसे खास प्रोग्राम में बने रहिए एबीएनएन न्यूज़ के साथ।